सलमान खान इज अलॉट लाइक रजनीकांत। दोस्तों ये मैं नहीं कह रहा, ये कह रहे हैं प्रभु देवा साहब। प्रभु देवा जिन्होंने बॉलीवुड में एक अलग इमेज बनाई, पहले तो वो एज कोरियोग्राफर थे, फिर उसके बाद दोस्तों डायरेक्टर बन गए, और उन्होंने जो अपना डायरेक्टिंग डेब्यू किया था वो किया था वांटेड फिल्म से, जिन्होंने सलमान खान की इमेज को एकदम से बदल दिया। सलमान खान जो सारी चीजें उनकी जिंदगी में ऑड 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 चल रही थी, उसके बाद वांटेड के बाद सब इवन 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 हो गई। चलिए बताता हूँ एक लीडिंग न्यूज़पेपर को दिए इंटरव्यू में प्रभुदेवा साहब ने क्या कहा। दरअसल यहाँ पर प्रभुदेवा से सबसे पहले पूछा गया दबंग 3 के बारे में, तो उन्होंने साफ बता दिया कि दबंग 3 होने वाली है बिगर एंड बेटर, और इसमें ढेर सारे एक्शन सीन्स होंगे। उन्होंने ये भी कहा कि सलमान खान दोस्तों उनके लिए एक चैलेंज की तरह आते हैं हमेशा। सलमान खान के बारे में बातचीत करते हुए उन्होंने बोला ही इज अ लॉट लाइक रजनीकांत। दोनों के पास अलग स्टाइल है, दोनों के लिए अलग स्वैग है दोस्तों, लेकिन फिर भी ये हमें मेस्मराइज करके जाते हैं। उन्होंने सलमान खान के बारे में ये भी बात कही कि कभी भी वो एफर्ट नहीं करते किसी को इम्प्रेस करने के लिए। उनका जो चार्म है, उनकी जो स्टाइल है, वो अपने आप हम सबको मेस्मराइज करके चली जाती है। वेल, सही पकड़े हैं प्रभु देवा साहब, आपने सही पकड़ा है भाईजान के बारे में। और उन्होंने ये बात भी ऐड करी दोस्तों कि दबंग 3 की आजकल जो है प्री प्रोडक्शन चल रहा है, और अभी एक्सेस मैं स्टेज में नहीं हूँ कि मैं फिल्म के बारे में ज़्यादा बात कर सकूँ। बस मैं इतना कहना चाहूँगा दबंग 3 के बारे में कि ये बिगर और बेटर होगी, और हाँ इसमें सोनाक्षी सिन्हा ज़रूर होंगी, देखने में मजा आएगा दोस्तों। रज्जू और चुलबुल की जोड़ी और उस पर प्रभुदेवा का तड़का, कितने ज्यादा मजा आएगा आप मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में। और आपको क्या लगता है कि क्या सलमान खान इज अलॉट लाइक रजनीकांत सर? जो भी कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर बोलना कि प्रभुदेवा ने जो भी ये कंपेयर किया है, जो भी कहा है उसके बारे में। कमेंट सेक्शन आपके हवाले, मैं चला। एंड फॉर मोर फिल्मी अपडेट्स वॉच चैनल फिल्मी आरा विद मी राहुल भोज।